प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन के एक मामले की पुष्टि हुई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और इस अभियान के तहत जिला अस्पताल में आज करीब 20 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए और स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है, साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील भी कर रहा है। कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी की आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता जज थे, वो CMO कैथल चले गए, बन के उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है और उसकी आदेशों के अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं या तो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे, उसकी रोकथाम के लिए ताकि जनता स्वस्थ रहे और सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सफल हो सके, उस कड़ी में हम जो है बगैर मास्क के लोगों को चालान जो है ना काटने जाएंगे।